शहर हर नगर के साथ जुड़े होते हैं कुछ दिलचस्प किस्से। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की आंवला तहसील में। इसके नाम में इतनी दिलचस्पी है कि आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। दरअसल बहुत सारे आंवला के पेड़ होने के कारण इस शहर का नाम पड़ा आंवला, जो दरअसल शुद्ध हिंदी के शब्द आंवला का अपभ्रंश है। कहा जाता है कि ये शहर रुहेलखंड की जो राजधानी है वो भी रहा था, और यहाँ पर बहुत सारे कुएं और मस्जिदें भी थी। इस जगह के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली की सल्तनत की टकसाल भी आंवला में थी। जी हाँ, टकसाल वही जगह है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। यानी कि इस शहर का केवल नाम ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बहुत माना गया है। आंवला तहसील में जहाँ एक ओर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिबिंब है, तो वहीं दूसरी ओर जैन धर्म के अनुयायी यहाँ रहते हैं। यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और सामाजिक महत्व तो है ही। तो यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए, आंवला को और नज़दीक से जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आंवला शहर का ये सफर। जैन मंदिर जैन धर्म का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार माता पद्मावती ने भगवान पार्श्वनाथ को कमट से बचाया। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। एक आला में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। माना जाता है कि इसकी स्थापना देवताओं द्वारा की गई है। किसी समय पार्श्वनाथ भगवान ने इस जगह पे तप किया था। इसी जगह पे धैन पद्मावती माता ने फल निवारण किया था। ये दो भूमि आपकी है, एक तपोभूमि, एक केवल ज्ञान भूमि। इसी समय इस जगह पे उपसर्ग हुआ था। 7-10 भाव का वैरी कमट इस जगह पे उपसर्ग करता था। धैन पद्मावती माता ने इस जगह पे फल निवारण करके भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करवाया। ये दो भूमि आपकी है, तपोभूमि, केवल ज्ञान भूमि। इस जगह का नाम ऐ क्षेत्र इसलिए पड़ा कि धैन पद्मावती माता ने इस जगह पे प्रभु जी को ऊपर छत मंडप बनाया। पांचाल क्षेत्र के पांचाल महाजनपद की राजधानी ऐ क्षेत्र। तो ये ऐ क्षेत्र का पूरा एक लगभग 5.5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा ऐ क्षेत्र महानगर फैला हुआ था। इसकी ये विशेषता थी कि ये पूरा महानगर ईंटों का बना हुआ था। ईंटों के भवन थे, ईंटों के राजमहल थे, ईंटों के जनता के निवास के भवन थे, ईंटों के ही मंदिर बनते थे, ईंटों के ही देवालय बनते थे। यहाँ पर तीनों धर्मों ने उन्नति प्राप्त की, जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने और वैदिक हिंदू धर्म ने। तो यहाँ पर जो वैदिक हिंदू धर्म की जो उन्नति हुई, वो प्रारंभिक समय में वैदिक हिंदू धर्म ही था। और वैदिक हिंदू धर्म में यहाँ पर यहाँ के क्षेत्र का जो वर्णन है, अहिछत्र एक तरीके से अहिछत्र, अहि माने नाग, नागों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अहिछत्र पड़ा। यहाँ पर नाग वंश के राजाओं का राज्य था। तिखाल वाले बाबा की वेदी मंदिर परिसर में प्रमुख है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा के सम्मुख सच्चे मन से मांगी गई प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तिकाल वाले बाबा इसलिए नाम पड़ा कि इस जगह पे आले में बाबा को विराजमान कर रखा था। तिकाल मतलब आला, आले में तिकाल वाले बाबा को विराजमान कर रखा था। इस जगह का नाम तिकाल वाले बाबा के नाम से हो गया। इस मंदिर में 10 कमल की पंखुड़ियों में जैन धर्म के 24 तीर्थांकरों की कुल 720 प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रदर्शित करती हैं।
यहाँ पर जो भगवान पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी तो उनकी अहि ने छत्र बनकर रक्षा की थी, इसलिए ये अहिछत्र प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अहिछत्र का जिक्र महाभारत में भी आता है, अहिछत्र का जिक्र परिचक्रा के रूप में ऋग्वेद में भी आता है। तो ऋग्वेद के समय से लेकर के और पुराणों के समय तक सभी ग्रंथों में अहिछत्र का नाम है और पांचाल जनपद का नाम है। वैसे तो हर समय तीर्थ यात्रियों का आवागमन यहाँ बना रहता है, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाले मुख्य पर्वों पर जैन समाज के लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शनों का लाभ लेते हैं। पांचाल जनपद दो भागों में विभाजित था, एक उत्तरी पांचाल एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की कैपिटल राजधानी अहिछत्र था, जहाँ पर ये क्षेत्र रामनगर के पास कहलाता है। इसको रामनगर का किला भी कहते हैं, अहिछत्र भी कहते हैं, अहिछत्र का किला भी कहते हैं, महाभारत कालीन पांडवों का किला भी इसको कहा जाता है। ये किला जो है वो प्राचीन है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार से लोगों की उन्नति थी। अहिछत्र में राजा सुदास हुए, ये ऋग्वेद में जिक्र आता है। दशराग युग युद्ध हुआ, उस दशराज युग में 10 राजाओं ने मिलकर राजा सुदास पर आक्रमण किया। राजा सुदास ने उन 10 राजाओं को हराया, इसका बहुत बड़ा वर्णन ऋग्वेद में दिया है। ये इस पांचाल राज्य की राजधानी अहिछत्र के ही राजा थे। यहाँ पर विभिन्न राजाओं ने राज्य किया। 16 जनपद महाभारत काल से पहले यहाँ पर हुआ करते थे, महाभारत काल के बाद यहाँ पर हुआ करते थे, और उन 16 जनपद में अहिछत्र की बहुत बड़ी व्याख्या थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के काल में अहिछत्र की बहुत उन्नति हुई। अशोक ने अपने यहाँ से दूत भेजकर अहिछत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया और यहाँ पर बौद्ध धर्म के संघाराम बने। यहाँ पर भगवान बौद्ध पधारे थे। 7 दिन तक उन्होंने अहिछत्र के राजा को धर्म उपदेश दिया था और यहाँ की प्रजा को भी दिया था, और वो इस महानगर के बाहर ठहरे थे। जो बाहर ठहरने वाला स्थान है वहाँ भी स्तूप बनवाए उन्होंने, और अहिछत्र के अंदर भीम गदा के पूर्व की ओर भी, पूर्व तो भीम गदा है और पश्चिम की ओर स्तूप बनवाया जो अब भी मौजूद है। और उस स्तूप में अब भी इस तरीके से है जैसे ऐसा लगता है छोटी छोटी कोठरियाँ बनाई गई हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु बैठ करके साधना किया करते थे, और उसका पूरा इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि वो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो कोई तप स्थली थी। तो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष रहे या जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए वहाँ वहाँ पर उन्होंने स्तूप स्थापित किए। स्तूप एक तरीके से आपको पता है सांची का स्तूप है। स्तूप एक तरीके से उन्होंने अपना जो भी उसका प्रतीक, यानी मान लीजिए गौतम बुद्ध का दांत है, या मान लीजिए गौतम बुद्ध की हड्डी का अवशेष है, या गौतम बुद्ध वहाँ गए हैं तो और कोई प्रतीक उन्होंने ज़मीन में गाढ़ा और उसके ऊपर फिर बराबर परत लगाते हुए चले गए, और आग ऊपर जा कर के उन्होंने एक इस तरीके से एक क्या कहना है उसने गोलाकार अर्ध गोलाकार एक भवन बनाया, और उसके पास में और भी विभिन्न भवन बनाते थे, वो स्तूप कहलाते थे। तब स्थली पर चैत कृष्ण पक्ष अष्टमी से द्वादशी तक वार्षिकोत्सव होता है। इस दौरान विशाल मेला लगता है। अगस्त माह में भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन पार्श्वनाथ जी मनुष्य से ईश्वर की श्रेणी में पहुंचे थे। जैन समाज के लोग इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। अशोक के बाद यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का राज्य रहा। यहाँ पर पाल, सेन और गुप्त तीन वंशों ने बहुत टाइम तक राज्य किया। राजा हर्षवर्धन के टाइम में करीब करीब 7वीं शताब्दी ईस्वी में अहिछत्र का या पांचाल का अस्तित्व कुछ कम हो गया।
तो ये राजपूत पीरियड था, राजपूत पीरियड कहलाता। यहाँ पर क्षत्रिय वंश के विभिन्न वंशों का उत्थान हुआ और इस टाइम में अहिछत्र के स्थान पर बदायूं की उन्नति हो गई। तो ये जो अहिछत्र का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि लगभग 2000 वर्ष तक अहिछत्र पांचाल की राजधानी रहा। यहाँ पर सांस्कृतिक उन्नति हुई, तीनों धर्मों ने यहाँ पर उन्नतिशील उन्नति पाई, बौद्ध जैन और वैदिक हिंदू धर्म, इन तीनों की उन्नति हुई। यहाँ पर इन तीनों के मंदिर स्थापित हुए, बौद्ध धर्म के मठ स्थापित हुए, बौद्ध धर्म के स्तूप स्थापित हुए, जैन धर्म के मंदिर स्थापित हुए, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गईं। दिसंबर माह में भी यहाँ कई आयोजन होते हैं, जिसमें श्रद्धालु नव वर्ष का स्वागत भगवत आराधना के साथ करते हैं। जैन धर्म की मान्यता यह है कि सबसे पहले उनके जो जैन ऋषि हुए, ऋषभदेव कहलाते हैं, उनको मानते हैं जैन लोग कि उन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ और उन्हीं से अहिछत्र के सबसे पहले वो यहाँ पर राजा हुए, उनके बारे में ऐसी मान्यता है। यहाँ पर जैन तीन धर्मकरणों में आकर तपस्या की, नेमिनाथ यानी भगवान पार्श्वनाथ से जो 23वें जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनसे पहले नेमिनाथ जी हुए, 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी भी यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ पर किया। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई। आपको मैं संज्ञान में लाऊं कि ये जो बहुत प्रसिद्ध है वात्स्यायन का काम सूत्र, इसकी रचना भी यहाँ अहिछत्र में ही हुई थी। वात्स्यायन के बभ्र ऋषि गुरु थे, वो गुरु यहीं रहते थे। यहाँ पर विभिन्न पाठशालाएं थीं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं लोग पहनते थे, विभिन्न प्रकार के आचरणों में बहुत ही शालीनता थी। विभिन्न पुस्तकों में लिखा है कि यहाँ की स्त्रियाँ बहुत योग्य और विद्वान थीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, विभिन्न वर्णों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। और यहाँ का जो इतिहास है अहिछत्र का, वो अधिकतर बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में अधिक मिलता है। यहाँ पर बहुत वर्णन है, काम यानी जैनियों के कल्प सूत्र जो बहुत बड़ा एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना भी अहिछत्र में हुई। और अहिछत्र के चारों तरफ परिधि थी और उसमें एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के लाल किले के चारों तरफ जो है वो खाई बनी हुई है, तो बड़े बड़े वो पुराना ही प्रचलन था जो खाई का था, ताकि शत्रु एकदम प्रवेश न कर सके नगर में। तो वो इसके चारों तरफ परिचक्रा कहलाती थी, चारों तरफ परिधि बनी हुई थी और यहाँ पर एक नदी बहती थी, उससे उसका जल आता था। यहाँ पर ह्यूएनसांग बहुत प्रसिद्ध तीर्थयात्री रहा है, जो 7वीं शताब्दी में महाराज हर्ष के समय में भारतवर्ष में भ्रमण को आया था। वो काशीपुर जो आप नैनीताल जिले में आता है, अब तो वहाँ से होते हुए चीन से आया था और इसी रास्ते से वापस गया था। तो अहिछत्र में उसने कई महीने निवास किया था और उसने लिखा है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वो भवन बने हुए थे और उनमें जो है वो तीनों लोगों के, यानी करीब करीब 1000 तो भिक्षु रहते थे, जैन रहते थे, और यहाँ पर शिव, विष्णु, देवी पार्वती, इस तरीके की बहुत ही देवी देवताओं की उस समय पूजा होती थी। विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ के उत्खनन में निकली हैं, विभिन्न प्रकार के मणके निकले हैं, मुद्रांक निकले हैं, सील निकली हैं, फलक निकले हैं, इन एक बहुत बड़ी सभ्यता का ये आगाज लिए हुए ये अहिछत्र नगर है, जहाँ पर कि भीम गजा अब भी एक मॉन्यूमेंट के रूप में विद्यमान है। तीर्थ स्थल पर आने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाती हैं। उन्हें प्रत्येक समय निशुल्क भोजन कराया जाता है। हम लोग लगभग महीने में एक बार यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही तिखाल वाले बाबा के नाम से बाबा का मंदिर था, जो नीचे स्थित था। पहले कहते हैं ये देवों ने रात ही रात में इस मंदिर की रचना की थी, जिससे यहाँ पर अनुयायी आते गए, यहाँ पर भक्तगण आते गए, अधिक जगह की आवश्यकता होती गई, उस हिसाब से नीचे प्रतिमा जी को विराजमान कर इतना बड़ा कैंपस बना दिया गया।
मुसलमानों की इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं। पहली 12 बुर्जी मस्जिद इस्तांबुल में है और दूसरी यहाँ आवला में स्थित है। मस्जिद मुसलमानों का धार्मिक केंद्र है, जिसमें मुसलमान भाई पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। मस्जिद अक्सर कुरान की शिक्षा के लिए भी एक केंद्र का कार्य करती है। आमतौर पर दुनिया की हर मस्जिद की चार मीनारें होती हैं, परंतु इसकी विशेषता है कि यहाँ 12 मीनारें हैं, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। 12 बुर्जी मस्जिद की एक खासियत वहाँ की तहारत अर्थात सफाई भी है। इस्लाम धर्म में सफाई का बहुत महत्व है। बख्शी सरदार खां के टाइम में सन 1762 ईस्वी में इस 12 बुर्जी मस्जिद का निर्माण हुआ। 12 बुर्जी मस्जिद के ठीक पीछे एक त्रिभुर्जी मस्जिद है, उसके तीन बुर्ज हैं। तो 12 बुर्जी मस्जिद की विशेषता है कि उस समय जिस समय इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, आंवला एक बहुत शानदार शहर था और दुनिया का सबसे शानदार शहर बुखारा कहलाता था। उस बुखारा शहर की हिसाब से आंवला को बनाया गया था, तो इतना शानदार शहर था। लेकिन आगे चलकर जब आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किए तो इसको तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, आग लगा दी, जला दिया, समाप्त कर दिया और फिर दोबारा से इसने अपने को स्थापित किया है जो आज की स्थिति में है। तो सन 1762 में इसका निर्माण हुआ। इसके 12 बुर्ज हैं। हिंदुस्तान में किसी भी स्थान पर 6 बुर्ज की मस्जिदें बहुत मिलेंगी, लेकिन 12 बुर्ज की मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। इसमें आगे पीछे करके 6 ऐसे, 6 पीछे 12 बुर्ज हैं। चारों तरफ मीनारें हैं। ऊंचा 9 फीट ऊंचाई सीढ़ियों पर बना हुआ है। आगे हौज है। दो तरीके से नमाज पढ़ने का इंतज़ाम है। तो उसके पास ये 12 बुर्जी मस्जिद उस काल की है। मस्जिद में प्रवेश के लिए लिबास के साथ साथ शरीर का भी शुद्ध होना अनिवार्य है। हर शुक्रवार शहर और निकटवर्ती गांवों की बड़ी मुस्लिम आबादी मस्जिद में आती है और जामत की नमाज अदा करती है। कहीं इबादत में हाथ उठते हैं तो कहीं पूजा घर में हाथ जुड़ जाते हैं। महावीर हनुमान जी को प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त कहा जाता है। श्री राम जी से जुड़ी हुई हर वस्तु वीर हनुमान को बहुत पसंद है, फिर चाहे वो सिंदूरी लाल रंग हो या कोई और वस्तु। और उसी तरह अगर हनुमान जी को रामायण पढ़ते हुए रूप में देख लिया जाए तो ये छवि बहुत ही मनमोहक लगती है। हम हैं आंवला तहसील के पुरैना ताल मंदिर में, जिसे श्री गोवर्धन दास महाराज ने बनवाया था। हनुमान जी के चमत्कारिक सिद्धपीठ की संख्या सैकड़ों में है। कुछ मंदिर उनके जीवन की खास घटनाओं से जुड़े हैं और कुछ का संबंध चमत्कारों से है। इन्हीं हजारों मंदिरों में से एक है ये बदायूं का मंदिर, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर पुरैन बहुत होती थी, जो आप तालाब में होने वाले पौधे होते हैं बहुत से, वो पुरैन कहलाते हैं। जैसा कि उसका उदाहरण देखने को मिल सकता है, जब बरेली बस स्टैंड में आंवला से बरेली बस जाती है तो जहाँ पर रुकती हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी इकट्ठा है, वहाँ पर बहुत पुरैन है। तो ये पुरैन यहाँ पर बहुत छाई हुई थी, इसलिए इस जगह का नाम पुरैना हो गया और उसके नाम से यहाँ का एक पुराना मोहल्ला भी है। तो यहाँ सबसे पहले बाबा गोवर्धन दास नाम के एक साधु आए। कहते हैं वो बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम वहाँ जाओ
और उस मंदिर पर तपस्या करो और उसका उद्धार करो। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और यहाँ पर विभिन्न प्रकार से धार्मिक उत्थान किया। यहाँ पर उनके पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात अन्य बाबा लोग हुए, तो उनकी भी उम्र बताते हैं बहुत रही। कोई उनसे कहता 125 साल के थे, कोई कहता 200 साल के थे, लेकिन जहाँ तक हमने खोजा है, इसकी जो मंदिर का रूप था वो करीब 250 वर्ष पूर्व था, क्योंकि पहले इतनी आबादी नहीं थी। पहले जंगल हुआ करते थे, जंगल ज़्यादा होते थे, आबादी कम होती थी। अब जंगल बहुत कम है, आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वहीं पर जो शंकर जी का मंदिर बना है वो सबसे प्राचीन मंदिर है, और उन्हें बनखंडी भी कहते हैं। उनकी पिंडी है, यानी वो उनका केवल एक 6 इंच करीब ज़मीन में पिंडी स्थापित है, ऊपर से शिवलिंग नहीं बना हुआ है। वो प्राचीन मंदिर है, उसकी भी मान्यता बहुत है। उसके बराबर में एक भगवान का ठाकुर द्वारा है, वहाँ पर बहुत से भगवान हैं, पीतल की मूर्तियाँ हैं, उनकी रोज़ पूजा अर्चना होती है। शाम सुबह 5 बजे यहाँ पर भव्य आयोजन होता है, कीर्तन होता है, आरती होती है। और उसके बाहर बाबा बाल मुकंदास रहे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना कराई रामायणी हनुमान बाबा की। तो वह बाबा जी जो हैं वो चुपालती मारे बैठे हैं और रामायण पढ़ रहे हैं, वो रामायणी हनुमान जी हैं। तो रामायणी हनुमान जी की बहुत मान्यता है। यहीं पर बराबर में अन्य मंदिर पीछे समाधि है, तो बाबा गोवर्धन दास की समाधि है। उसके बराबर ही तालाब है जो कि पुराना तालाब कहलाता है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से मान्यता आती है। उत्तर प्रदेश की ये तहसील आंवला अपने साथ कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को समेटे है। यहाँ के धार्मिक स्थल देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये स्थान अनेकता में एकता का संदेश भी देते हैं। ऐसे में हमें भी ज़रूरत है कि हम धार्मिक महत्व के इन स्थानों का और महत्व जानें और इनका इतिहास भी जानें।